हेलो फ्रेंड्स, अनबी की रसोई हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज की मेरी रेसिपी है वो है दही बड़े। तो देखिए कितना यमी टेस्टी, एंड इसका जो साइज़ है वो बहुत ही अच्छा डबल हो गया है बड़े का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह हमने 250 ग्राम उड़द की दाल ले ली है। इसको हमने कम से कम 5 या 6 आप इस घंटे डाल सकते हैं, या फिर आप पूरे रात इसको सोक करके डाल देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगी। तो देखिए फूल चुका है। अब हम इसका जो है पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट जो बनाएंगे वो थिक बनाएंगे, ज़्यादा पतला हम नहीं बनाएंगे। आप चाहे तो इसका पानी, ऊपर से भी दूसरा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल दी हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा पानी तो चाहिए ना इसके पीसने के लिए। तो देखिए जो बैटर हम बनाएंगे इस तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी जो है इस तरीके से होनी चाहिए। तो सारे बैटर्स को हमने एक पतीले में निकाल लिया है, एक बर्तन में, और साथ के साथ में यहाँ पर छोटा चम्मच, आधा चम्मच मैं हींग डालूँगी। हींग का फ्लेवर तो इसमें आना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये हींग की पाउडर है, अगर हींग गुठली वाली है तो आप उड़द के दाल के साथ ही इसको पीस सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इसमें नमक और हींग, आप चाहे तो यहाँ अदरक का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरक भी पीस के डाल सकते हैं या कूट के। और इसको, इस बैटर को हम तब तक फेटेंगे जब तक इसकी जो बॉल है ना पानी में तैरने न लग जाए। तो चलिए मैं पानी में दिखाती हूँ। एक गिलास में हमने पानी ले लिया है, उसके अंदर हमने ये बॉल डाल दिया है। तो देखिए पानी के ऊपर तैरने लगा है, इसका मतलब है कि जो दही बड़े हम बनाएंगे ना बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल फुले फुले बनेंगे। तो बैटर बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्म कर लिए हैं। आप यहाँ रिफाइंड या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे बड़े हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जो शेप जैसे आप चाहे वैसे दे सकते हैं, बड़ा या छोटा भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसी शेप में डालेंगे तो ये जब हम इसमें पानी में डालेंगे तो इसकी जो शेप है वो डबल हो जाती है। इसको ना हम हाई लो फ्लेम पे इस तरीके से फ्राई करेंगे, जिससे क्या होगा कि अच्छे से सिक जाए, इसके अंदर जो कच्चापन है ना वो नहीं रहे। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से तो रेड हो जाएगी बट अंदर से जो है वो थोड़ी सी कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको मीडियम कर दिया है फ्लेम को, और इस तरीके से हम पका के, और इधर हमने डाला है एक पतीले में पानी, हल्का सा गरम पानी, और इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे पानी में और हींग। तो इस तरीके से जो हमने दूसरे जो बड़े बचे हुए थे सारे बैटर को इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो रहा है, तब तक जो पानी है ना वो भी हल्का सा गर्म हो रहा है। तो इसको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे, हाई पहले करेंगे, फिर लो करेंगे, फिर मीडियम करेंगे। आप इस तरीके से जो बड़े हैं वो सारे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम एक साथ ही पानी में डालेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी ब्राउन हो गया है, देख सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और नमक, हींग का पानी जो हमने हल्का सा गर्म बनाया था उसमें इसको डाल देंगे। आधा घंटा के लिए हम इसमें छोड़ देंगे डाल के, जिससे क्या होगा ना कि इसकी जो ऑयल है वो भी निकल जाए तेल में और अच्छे से फूले फूले बड़े बने। तो देखिए ये आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए इस तरीके से आप इसको दबा रहे हैं ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट देखने में भी लग रहा है, और इसको आप अंदर से तोड़ के देखेंगे तो भी बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम दही रेडी कर लेते हैं। तो दही को है अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। अब किसी करछी के सहायता से या किसी से भी आप फेंट सकते हैं दही को।
दही भी हमने अच्छे से फेंट लिया है और इसको भी रख देंगे। और साथ के साथ हम यहाँ पे अब दही बड़े के मसाले रेडी करेंगे। तो मसाले में हमने यहाँ पे जीरा लिया है और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन तो ऑलरेडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दोनों को हम हल्का हल्का भून लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको भून लिया है। और साथ के साथ यहाँ पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, ब्लैक पेपर जो साबुत है। अगर आपके पास इसकी पाउडर है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हल्का सा ठंडा हो गया है, इसको मैं अब पाउडर बना लूँगी। तो अब बड़े जो है वो भी अच्छे से फूल चुके हैं, देखिए दबा के दिखा रही हूँ। इसकी जो पानी है ना, इस तरीके से हम हथेली पे निकाल देंगे। अगर इसमें पानी रहेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। तो देखिए अंदर से तोड़ के दिखाई हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट रुई की तरह बनकर तैयार है बड़े। तो सारे बड़े को ना मैं दूसरे पानी में अच्छे से वॉश कर लूँगी। इससे क्या होगा कि इसकी जो भी ऑयल है ना, बिल्कुल निकल जाएगी ऑयल। तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम पूरे पानी से निकाल लेंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि बड़े जो है वो टूटे नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसकी पानी निकालेंगे। तो सारे बड़े जो है हमने निकाल के प्लेट में रख लिया है। आप चाहे तो इसको जब आप सर्व करेंगे तब ऊपर से भी आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बड़े जो है वो दही में डिप कर दूँगी। इससे क्या होगा ना कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दही का जो फ्लेवर है ना, बिल्कुल बड़े के अंदर तक पहुंच जाती है अगर आप इसमें डिप करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो सारे बड़े जो है जो इसमें आटे का उतना मैं इसमें डाल दूंगी, बाकी दूसरे जो बर्तन में दही रेडी करके उसमें डाल दूंगी। तो डाल के आधा घंटा छोड़ दूंगी मैं इसमें, जिससे दही है के बड़े है ना वो दोनों अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे ये जो हमने दही बड़े के मसाले रेडी किए थे उसको भी हमने पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो बेलन या सील पे भी इस पाउडर को रेडी कर सकते हैं। चलिए अब सर्व करके दिखाते हैं। ये दही बड़े ना बहुत यमी टेस्टी बनकर रेडी है। किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, होली में तो स्पेशली बनती है। इसमें मैं ना बहुत सारा दही डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे मसाले डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे काला नमक पहले ऐड किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमने मसाले अजवाइन, काले मिर्च, जीरा, इसका जो हमने बनाया था पाउडर वो भी डाल दिया है। साथ के साथ में यहाँ पे मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे हरी मिर्च की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। हरी चटनी, लाल चटनी भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो कैसी लगी है दही बड़े की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।